सैयद अयाज रज़ा ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों आज हम सीखेंगे हाइपरलिंक का इस्तेमाल, किस तरह हम एमएक्स एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं एमएक्स एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने एक्सेल को ओपन कर लिया है। दोस्तों यहाँ होम लिखा हुआ है, यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन में गया, यहाँ पे टेबल्स एलस्ट्रेशन चार्ट और यहाँ पे एक रिबन का ऑप्शन आया लिंक्स, हम इस पर आएंगे। ऊपर हेडिंग्स डली हुई है हाइपरलिंक की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल के। ठीक है दोस्तों, दोस्तों हाइपरलिंक क्या काम करता है? दोस्तों हाइपरलिंक का यूज़ ये है, अगर हम HTML की फाइल चाहें इसमें ओपन करना वो भी ओपन कर सकते हैं, और अगर हम इंटरनेट से रबते में रहना चाहते हैं तो हाइपरलिंक के ज़रिए रह सकते हैं। दोस्तों आज हम इसका इस्तेमाल सीखते हैं। दोस्तों एक तो अगर आप चाहते हैं अपनी किसी फाइल का लिंक देना, या आप चाहते हैं मैं जब अमाउंट के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरी दिस इन दिस फाइल ओपन हो जाए, मैं हाइपरलिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे मैं एक फोल्डर में जा रहा हूँ, कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ मैं ड्राइव में से अपनी। अगेन अच्छा दोस्तों देखें, यहाँ पे जैसे ही मैंने हाइपरलिंक पे क्लिक किया अपनी एक फाइल को ओपन करने के लिए, तो यहाँ पे देखें ये ब्लू कलर से हाईलाइट हो चुका है। इस हाइलाइट का मतलब ये कि हमारी कमांड हाइपरलिंक की इसके ऊपर अप्लाई हो चुकी है। तो दोस्तों अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखें ये वेटिंग पे चला गया, यानी मेरी जो फाइल है उसको ये ओपन कर रहा है। मैंने फोल्डर पे लिंक दिया था, इसने उस फाइल को ओपन कर लिया है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दोबारा जाता हूँ, देखें दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ एग्जिटिंग फाइल और वेब पेज, और यहाँ पे लिखा हुआ करंट फोल्डर। जो भी मैं फोल्डर सेलेक्ट करना चाहूँ, मैं यहाँ पे अपने मैंने मुजफ्फर के फोल्डर पे मैंने लिंक दे दी। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा दोस्तों तो मुजफ्फर का फोल्डर खुल जाएगा। इसी तरह अगर मैं किसी फाइल के ऊपर लिंक देना चाहूँ या किसी फोल्डर के ऊपर लिंक देना चाहूँ दे सकता हूँ। और अगर मैं चाहूँ दोबारा जाता हूँ हाइपरलिंक पे, यहाँ लिखा हुआ है ब्राउज पेज, मैं यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया किसी भी वेब पेज का, मैंने गूगल का दे दिया। मैं चाह रहा हूँ जब मैं अपने ही एक्सेल की फाइल से गूगल के लिंक के ऊपर क्लिक करूँ तो मेरा गूगल ओपन हो जाए, मैं ओके करता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ आ गया www.google.com। गूगल हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, किसी भी फाइल को अगर मैं चाहूँ कि एक्सेल की फाइल से ही ओपन हो जाए तो हो सकता है वो। इस पर मैं क्लिक करूँगा दोस्तों, हैंड आ चुका है मेरे हाथ में। जब हैंड आ जाए तो इसका मतलब ये क्लिक के लिए तैयार हो चुकी है कमांड मेरी। अच्छा मैंने अभी इस टाइम पे अपना नेट डिसकनेक्ट किया हुआ है तो इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी कमांड अप्लाई हो चुकी है। देन इसके अलावा भी हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं दोस्तों। आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी फाइलें जो भी आपकी ड्राइव में पड़ी हुई हैं मुख्तलिफ, आप चाहते हैं वो तमाम के तमाम तमाम फाइल का लिंक आ जाए, यानी आप एक ही पेज से तमाम फाइल को ओपन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइल इंडेक्स, जैसे मैं एक बना रहा हूँ फाइल इंडेक्स के नाम से फोल्डर। ओके दोस्तों, मैं अपनी तमाम फाइल का लिंक इसमें देना चाहता हूँ। कि मैं जब इस पे के लिए मैंने ये कैफे रिपोर्ट ओके देन मैं दूसरी फाइल का, यानी आप एक इंडेक्स फाइल बनाना चाह रहे हैं जिसमें आप तमाम फाइल का लिंक देना चाह रहे हैं जिसको आप एक ही फाइल से ओपन करना चाहते हैं। कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, देन
डेली अटेंडेंस शीट। इस तरह दोस्तों जितनी भी शीट्स होंगी आप डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये, अगर आप चाहते हैं कि आपके एक ही फोल्डर के अंदर, एक ही एक्सेल शीट के अंदर आपके तमाम फाइलों के लिंक आ जाएं, जहाँ से आप क्लिक करें उस फाइल के ऊपर ऑटोमेटिक पहुँच जाएं, तो इस कमांड की मदद से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस कमांड की मदद से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखें दोस्तों, ये पूरा डेटा देता है आपको कि डी ड्राइव है, उसके अंदर एक एक्सेल फाइल का फोल्डर बना हुआ, उसके अंदर एक फाइल पड़ी हुई है किसके नाम से, कैफे रिपोर्ट के नाम से, किसकी फाइल है, डॉट एक्सेल। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ये दूसरा भी दे रहा है कि एक्सेल डी ड्राइव है, एक्सेल की फाइल है और कमीशन रिपोर्ट के नाम से फोल्डर है। इसी तरह थर्ड भी दे रहा है। अब मैं जिसके ऊपर क्लिक करूँगा ऑटोमेटिक मेरी वो फाइल ओपन हो जाएगी। दोस्तों मैं अभी किस फाइल में हूँ, मौजूद हूँ परचेस रिपोर्ट के फोल्डर में मौजूद हूँ। मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों सेकेंड पे, कमीशन रिपोर्ट पे, ऑटोमेटिक मेरी कमीशन रिपोर्ट ओपन हो गई है दोस्तों। दोस्तों मैं इसको क्लोज करता हूँ। देन मुझे कैफे रिपोर्ट पे जाना है, जिस फाइल पे मुझे जाना है मैं उस पर क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। ओके दोस्तों, दोस्तों आज हमने सीखा है हाइपरलिंक का हम किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, आपके सामने मैंने आपको फाइल इंडेक्स भी बना के दिखा दिया, और अगर आप अलग अलग फाइल चाहते थे वो भी दिखा दिया, और अगर आप किसी वेबसाइट का लिंक देना चाहते थे तो हम लिंक भी हाइपरलिंक के जरिए दे सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों में भी, ठीक है, अपनी फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड्स में एंड फैमिली में शेयर कीजिए, ताकि दूसरों की भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।